तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं वेलकम लाइफ चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा बोनट को उखाड़ करके नीचे की तरफ से इस बोनट को, और क्या कुछ इसके अंदर होता है, कैसा पूरा स्पेस होता है नीचे का, वो सब आपको दिखाऊंगा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बाद में घंटी को जरूर दबाएं, पाए वीडियो को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसको उखाड़ लिया है, और ये जब हटेगा इसको कैसे उखाड़ते हैं वो भी आपको बताऊंगा बिल्कुल क्लियर तरीके से। इसमें जो है आपको चार क्लिप देखने को मिलेंगे, एक तो चार इसमें नहीं है फिलहाल, इसमें दो दिए क्योंकि चार पहले होती थी, अब दो होने लगी है। एक इस साइड ये क्लिप दे रखी है और एक इस साइड ये क्लिप, दो क्लिप दे रखी है। तो इनको उखाड़ करके, और जो ये हमारा गैर कवर है जो ये इस तरीके से निकलता है, इसको यहाँ से हम निकालते हैं। देखिए एक बार निकाल के दिखाता हूँ आपको, इस तरीके से यहाँ से ये निकल जाता है, इस तरीके से पूरा ये निकल जाएगा। और फिर इसको हम जो है इसको आज उखाड़ेंगे। तो ये प्लास्टिक का बना हुआ है, प्लास्टिक का कुछ इसके अंदर जो लगा हुआ होता है वो भी आपको दिखाऊंगा। उससे क्या होता है कि गर्म बहुत होता है इंजन, तो जो इसके नीचे की अग्नि है वो गाड़ी के अंदर नहीं आ पाती है, तो वो हमारे लिए बहुत बढ़िया होता है। गाड़ी में ज़्यादा गर्मी नहीं हो पाती उससे, वरना गाड़ी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो अंदर का क्या कुछ है वो भी दिखाता हूँ। चलिए, बोनट उखाड़ने से पहले हमें जो है ये इस तरीके का कुछ पीछे को मिलता है, इस पट्टी को भी उखाड़ना पड़ता है तभी हमारा बोनट जो है निकल पाता है। देखिए ये था ऐसे, इस पे दोनों कवर लगे हुए थे ये दोनों, फिर इसको मैंने हटाया, साइड में रखा। फिर इसके बाद इसको हटाना पड़ेगा, फिर इसको हम जो है यहाँ पे लगाएंगे। तो इसके जो नीचे है वो बहुत ज़्यादा रेत हो चुका है, देखिए। तो इसकी सफाई मैं कर रहा हूँ आज, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा है, ये अदर हो जाता है, और नीचे की तरफ जो है हमारे एक घट्टा निकल जाता है जिसमें हम रेत को डाल सकते हैं पूरे रेत को। तो मैं इसकी थोड़ी सफाई भी करूंगा आज, कई दिन हो गए अच्छे से सफाई नहीं किया है, तो आपको सब कुछ चीज़ें आराम से दिखाऊंगा। तो देखिए पूरा बोनट यहाँ पे निकल चुका है, तो इसकी सफाई करनी हो तो आपको यहाँ से ब्रश लेकर इसकी सफाई ज़रूर करनी चाहिए। सुबह सुबह चाहे कोई भी ड्राइवर हो या कोई कुछ भी हो, पहले गाड़ी की सफाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो मैंने इस पे से थोड़ी सी रेत मिट्टी को जो है हटा दिया, काफ़ी गंदी हो जाती है गाड़ी, फिर ये धूल मिट्टी जो है हमारे ऊपर ही आके पड़ती है और हमें गंदा कर देती है। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखें। तो चलिए इसको अब हम ओपन करते हैं, दोनों क्लिप को हटाते हैं। यहाँ से इस क्लिप को खोला और यहाँ से इस क्लिप को जो है मैंने खोल दिया। दोनों क्लिप को खोलने के बाद है फिर हमें इसे ऊपर उठा देना है। जैसे ही इसको हम ऊपर उठाएंगे तो इस तरीके का हमारा इंजन जो है देखने को मिलेगा हमें नीचे की तरफ। तो इसको हमें ऐसे देखना है, तो ये कुछ इंजन यहाँ पे होता है। तो इसमें एक लकड़ी अब मैं लगा देता हूँ जिससे ये नीचे की तरफ गिरे नहीं। तो यहाँ पे ये लकड़ी लगेगी इस तरीके से। तो इस तरीके से इस बोनट को जो है उखाड़ा जाता है, इसकी साफ सफाई इस तरीके से ही की जाती है। ये हमारा जो है इंजन होता है, और ये हमारा गियर का पूरा सिस्टम यहाँ से ही निकलता है, और इस कवर को ऐसे लगाया जाता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। और इन पट्टियों से जो है हम रेत निकालना पड़ता है क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, देखिए। तो साफ़ सफाई गाड़ी की ज़रूरी होती है हमारे लिए। तो आशा करता हूँ इस तरीके से बोनट आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये कवर जो है यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का लगा हुआ है, गत्ते का सा या फिर कुछ अलग सा मटेरियल है जिससे रेत अंदर नहीं जाता ज़्यादा, और गर्मी भी ज़्यादा नहीं होती है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो से थोड़ा नॉलेज आपको मिला है। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फिर
चलो दोस्तों, आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।